हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुशांत और आज हम सीखने वाले हैं नीले नीले अंबर पर। इस सॉन्ग में काफ़ी सारे आइकॉनिक गिटार के पीसेस हैं जो आज हम सारे कवर करने वाले हैं। और गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। डिस्क्रिप्शन में आपको एक डाउनलोड लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप इस सॉन्ग के टैप्स पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। सो ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो गाइज, ये गाना शुरू करने से पहले आपको आपकी गिटार का जो ट्यूनिंग है वो ड्रॉप डी करना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे ऊपर का जो स्ट्रिंग है उसको आपको फुल स्टेप डाउन करके डी पे लाना पड़ेगा। अभी जैसे ये स्ट्रिंग ई है उसको हम फुल स्टेप डाउन करेंगे। ओके, अभी जो आपका फोर्थ स्ट्रिंग है और आपका सबसे ऊपर का, वो दोनों डी स्ट्रिंग है बट ऑब्वियस अलग अलग ऑक्टिव्स में। ओके, ऑल राइट। सो वैसे तो ड्रॉप डी ट्यूनिंग का यूज़ हम सिर्फ इसमें जो मेन रीफ है वो बजाने के लिए करने वाले हैं, लेकिन पहले से आपको इसको ड्रॉप डी करके रखना है। अभी सारे पार्ट्स पार्ट बाय पार्ट हम देखेंगे इसमें। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इसमें इंट्रो का पार्ट है जो अभी मैं आपको पूरा बजा के दिखाता हूँ पहले। सो देखिए, अब इसको हम पार्ट बाय पार्ट देखते हैं कैसे बजाना है। सो ये स्टार्ट हो रहा है ओपन डी स्ट्रिंग से, डी के बाद थर्ड स्ट्रिंग का सेकेंड फ्रेट, ऑल राइट, सो वी कैन फॉलो द टैप्स फॉर बेटर आइडिया। फिर से देखिए इस पार्ट को। सो बेसिकली ये डी माइनर स्केल है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में बज रही है। जैसे ओपन स्ट्रिंग ए हो जाएगा हमारा, उसके बाद डी फाइव कॉर्ड बजाना है। सो डी फाइव कॉर्ड बजाने के लिए आपको आपका जो डी माइनर कॉर्ड है उसको ही पकड़ना है, बस उसका फर्स्ट स्ट्रिंग आपको नहीं बजाना है। सो फोर्थ थर्ड एंड सेकेंड स्ट्रिंग यहाँ पर बजाना है आपको। सो ये पूरा इंट्रो का पार्ट इस तरह आएगा। सो गाइज, ये जो पार्ट है कोई पर्टिकुलर टेम्पो पे नहीं है, कुछ रिटार्डेड टेम्पो पे ये पार्ट लिया है, तो सॉन्ग को काफ़ी बार आपको सुनना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा कि कैसे रिटार्डेड टेम्पो पे बज रहा है। ओके, सो गाइज, ये जो सॉन्ग है पूरा डी माइनर स्केल पे बजा है, बस कुछ कुछ नोट्स इसमें जो है वो डी हार्मोनिक माइनर के भी लिए गए हैं। सो गाइज, इस सॉन्ग को आप जितना ज़्यादा सुनोगे उतने सारे पार्ट्स आपको इस सॉन्ग के याद रहेंगे बजाने के लिए और आपको आगे भी इजी जाएगा। सो गाना शुरू करने से पहले आपको काफ़ी बार उस गाने को सुनना है। अब इसमें कुछ ओवरडब पार्ट्स भी आते हैं, जो गाना जब स्टार्ट होता है तो हर एक लाइन के बाद ही ओवरडब पार्ट्स बजते हैं, तो अभी हम देखते हैं एक एक करके इसको कैसे बजाना है। सो फर्स्ट लिक इस तरह बजता है। फिर से देखिए इसको, काफ़ी इजी लीक है। सो नेक्स्ट लीक इस तरह है। फिर से देखिए इस पार्ट को, सो ये जो फर्स्ट स्ट्रिंग पे फाइव बज रहा है उसका ओरिजिनल सॉन्ग में काफ़ी कम साउंड है। ओके, सो थर्ड लीक हमारा ये है। फिर से देखिए इसको स्लो में, यहाँ से भी स्लाइड करना है, फिर डिसेंडिंग स्लाइड। ये जो डिसेंडिंग स्लाइड आएगा उसके तुरंत बाद आपको सेकेंड स्ट्रिंग फिफ्थ फ्रेट पे नोट बजाना है। सो ये पूरा इस तरह आएगा। ओके, सो ये था हमारा थर्ड लीक। अभी हम फोर्थ लीक देखते हैं। सो फोर्थ लीक भी काफ़ी ईजी है।
फिर से देखिए इसको। सो ये चारों लिक्स के बाद आपको बजाना है डी माइनर कॉर्ड, चाहे आप बार में बजाओ या ओपन में बजाओ। सो ये थे हमारे चार ओवरडब पार्ट्स। अभी हम फिफ्थ लिक भी हमारा देखते हैं। सो ये फिफ्थ फ्लर इस तरह है, फिर से देखिए इस पार्ट को। ये सेकेंड स्ट्रिंग पे और फर्स्ट स्ट्रिंग पे दोनों स्ट्रिंग पे टेंथ बजाना है। सो ये पार्ट थोड़ा सा फास्ट बजाना है आपको। ओके, सो अब हमारा सिक्स्थ लिक इस तरह है। सो ये फिलर थोड़ा ब्लूज तरीके का है, और उसके बाद जो फिर से 12 बजाना है उसमें काफी डीले है। फिर से देखिए इस पूरे पार्ट को। ओके, फिर से देखिए इस पार्ट को। ये स्लाइड के साथ शुरू होगा। तो यहां से भी स्लाइड करना है फोर्थ फिंगर से 12th फ्रेट तक, और फिर बजाना है 12th फ्रेट पे एक नोट। फिर से पूरा पार्ट देखिए। ऑल राइट, सो इसके बाद हमारा लास्ट लीक आएगा इस तरह से। और लास्ट लीक के बाद भी आपको डी माइनर कॉर्ड बजाना है। सो फिर से देखिए इस लीक को। काफी इजी लीक है लास्ट वाला। फिर से देखिए। सो इस गाने में ओवरडब पार्ट्स इतने ही हैं। सो अभी हम देखते हैं इस सॉन्ग का मेन रिफ, जो काफ़ी रिदमिक अच्छा पार्ट है। सो बेसिकली ये बजाने के लिए आपको आपके ब्रिज के पास आपका पीक यूज़ करना है, तब ये ओरिजिनल जैसा साउंड करेगा। सो ओरिजिनल सॉन्ग में भी ये इसी तरह बजा है ब्रिज के पास। तो ये पूरा पार्ट स्लो में देखिए। फिर से देखिए इस पार्ट को। सो इसी रीफ को बजाने के लिए हमने जो ऊपर का जो स्ट्रिंग है उसको ड्रॉप डी किया है, तो यहाँ से हम बजाएंगे स्लो में देखिए इसको। तो तीनों स्ट्रिंग ओपन बजाने हैं। ऑल राइट, सो उसके बाद आपको 5 से 7 पे हैमर करना है, देन बजाना है 5th string 5th fret में। फिर से देखिए। तो हमने इतना किया, काफी इजी है। देन नेक्स्ट है 5th string 5th fret फिर से देखिए इस पार्ट को। ऑलराइट, जैसे ही आप सेकंड पे पहुंच जाओगे तो आपको बजाना है, तो आपको हैमर करना है 6th string पे। सो ये हैमर 3rd fret से 5th fret तक रहेगा, देन बजाना है नीचे का स्ट्रिंग सेम, लेकिन यहाँ पे हैमर नहीं करना है। तो ये पूरा आएगा आपका। फिर से देखिए। सो फुल रिफ इस तरह आएगा। ऑलराइट, सो ओरिजिनल सॉन्ग के साथ भी बाद में हम इसको देखेंगे। सो इस गाने में जो नेक्स्ट फिलर है वो काफी बार बजते रहते हैं इस सॉन्ग में। इस गाने में आपने थ्रू आउट द सॉन्ग सुना होगा इसको। सो इस फिलर्स को भी देखते हैं हम कैसे बजाना है। सेकेंड फिंगर को आपको रखना है 2nd string 6th fret में, उसके बाद आपको हैमर करना है 4th finger से, उसके बाद 4th finger आपको तुरंत रखनी है 1st string 8th fret में, देन फिर से देखिए पूरा पार्ट।
सो यहाँ पे पहले मैं हैमर कर रहा हूँ फोर्थ फिंगर से एट्थ फ्रेट में, और तुरंत बाद में फोर्थ फिंगर रख रहा हूँ फर्स्ट स्ट्रिंग एट्थ फ्रेट में, फिर सेम, उसके बाद फर्स्ट फिंगर, तो ये पूरा इस तरह आएगा। देन ये फर्स्ट फिंगर यहाँ पे है, यही से ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी हैमर से ये स्टार्ट करना है पार्ट, देन तुरंत फर्स्ट फिंगर रखना है फर्स्ट स्ट्रिंग पे, और दोनों फिंगर्स वही फिक्स रखने हैं, देन थर्ड फिंगर थर्ड स्ट्रिंग पे, तो ये पूरा इस तरह आएगा। और ये दोनों लिक साथ में इस तरह आएंगे, देन सो ऑल राइट। ये इंट्रो का पार्ट, सारे ओवरडब पार्ट्स और ये फिलर्स हम एक साथ बजा के देखते हैं अभी बैकिंग ट्रैक के साथ। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसाए तरसाए, ऐसा कोई साथी ऐसा कोई प्रेमी प्यास दिल की बुझा जाए। सो गाइज, अभी हम देखने वाले इस सॉन्ग का फर्स्ट सोलो, जो ओरिजिनल सॉन्ग में काफ़ी फास्ट है, उसको हम स्लो करके अभी बजाएंगे, फिर बाद में इसको बैकिंग ट्रैक के साथ मतलब ओरिजिनल सॉन्ग के साथ भी बजाएंगे। सो हियर वी गो। ओके, सो इसको भी हम पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये ओरिजिनल सॉन्ग में काफ़ी फास्ट है, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फास्ट बजाने की। सो फर्स्ट पार्ट है इसका, फिर से देखिए इसको, और यहाँ से आपको हैमर करना है, तो ये है, फिर से देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या क्या हमने यहाँ पे, फिर से देखिए पूरा पार्ट स्टार्ट से, नेक्स्ट पार्ट, स्लो में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इजी पार्ट है, फिर से देखिए पूरा पार्ट स्टार्ट से, अब आगे का पार्ट देखते हैं। सो ये तीन नोट क्रोमैटिक्स लेने हैं आपको, उसके बाद फिर से देखिए, नेक्स्ट पार्ट, यह है, तो ये पूरा इस तरह आएगा।
ऑल राइट, सो इतना पार्ट होने के बाद आपको बजाना है डी माइनर कॉर्ड, देन सी मेजर, देन ए शार्प कॉर्ड. सो ये आएगा डी माइनर, देन सी, देन ए शार्प. सो ये आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3. सो आप ओपन में भी बजा सकते हो, ओपन में थोड़ा अलग फील आएगा. सो ऑल राइट, तो आपको बार में बजाना है तो आप बार में बजा सकते हो, या फिर ओपन में बजाना है तो ओपन में. लेकिन इसको काफ़ी फास्ट बजाना है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसको बार में ही पकड़िए. सो इसके बाद एक पार्ट आता है. सो गाइज ये पार्ट काफ़ी फास्ट है वैसे. इसको स्लो में देखिए. फिर से देखिए. ओके, सो अभी उसको हम मिड टेम्पो पे देखते कैसा आएगा. सो ऑल राइट, अभी इसको हम ओरिजिनल सॉन्ग के साथ बजा के देखते हैं. सो गाइज अभी हम देखेंगे सेकेंड सोलो. तो सेकेंड सेलो स्टार्ट होता है थर्ड स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट से. यहाँ पे काफ़ी फास्ट पिकिंग आपको करना है, पिकिंग के ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको. सो यहाँ पे सिर्फ आपका रिस्ट मूव होना चाहिए. सो ये नोट आपको 16 टाइम बजाना है और इसका काउंटिंग हम करेंगे 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and. फास्ट बजाना है, ओरिजिनल सॉन्ग में काफ़ी फास्ट है. ऑल राइट, सो नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें ट्रिपलेट्स काउंट करना है. तो इसका काउंटिंग आएगा 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet. सो हमारा फुल काउंटिंग क्या हुआ, 1 E and 2 E and 3 E and 4 E and 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet. सो इसको थोड़ा फास्ट में देखेंगे हम. ठीक है, सो इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट पार्ट बजाना है. ये फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट हो रहा है, इसको स्लो में देखिए. और ये सेम पार्ट आपको बजाना है ऊपर के स्ट्रिंग पे, और ये काफ़ी फास्ट है. सो आपको फास्ट में भी इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. सो ये पूरा पार्ट स्टार्ट से इस तरह आएगा. सो आपको काउंटिंग काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा, एक भी नोट कम ज़्यादा हुआ तो प्रॉपर साउंड नहीं करेगा. उसके बाद अभी नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग. इसमें ये पूरा स्केल चलेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो इसको स्टार्ट से देखिए, फिर से देखिए, फिर यहाँ से ये स्केल स्टार्ट होगा. स्लो में देखिए इस पार्ट को पूरा. थोड़ा फास्ट बजाना है. नेक्स्ट पार्ट देखिए, फिर से देखिए. फिर से देखिए इस पार्ट को स्लो में. तो हमने अभी तक पूरा देखा है. देन नेक्स्ट आएगा, फिर से देखिए. सो क्या आएगा,
इजी पार्ट है। सो ये पूरा इस तरह आएगा। सो गाइस ये काफी फास्ट बजा है पार्ट। ऑलराइट, सो फास्ट बजाने की आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने पड़ेगी। सो हमारा स्टार्ट से लेकर यहाँ तक जितना भी पार्ट हुआ हम अभी मिड टेम्पो पे देखते हैं किस तरह आएगा। देन उसके बाद हमें बजाना है ए शार्प कॉर्ड 2 times, ये ऊपर से नीचे बजाना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो ए शार्प कॉर्ड यहाँ पे आप ओपन पोजीशन में भी पकड़ सकते हो, मैं यहाँ पे बार में पकड़ रहा हूँ, आपको जैसा भी कंफर्टेबल आप पकड़ सकते हो। और आपको याद रखना है कि जब भी आप कॉर्ड्स बजाओगे तो सबसे ऊपर का स्ट्रिंग आपको नहीं बजाना है, क्योंकि हमने इसको डाउन करके रखा है, ड्रॉप डी करके रखा है, तो ये गलत साउंड करेगा। सो यहाँ पे आपको और एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी पार्ट अभी तक हमने बजाया है उसको आपको पाम म्यूट करके बजाना है। आपका जो पाम है वो स्लाइटली स्ट्रिंग पे रख के उसको बजाना है, तो एक परक्यूशन टाइप का फील आएगा प्लेइंग में। और ओरिजिनल सॉन्ग में भी सेकेंड सोलो के लिए काफ़ी पाम म्यूटिंग का यूज़ किया है, तो ये जो स्ट्रिंग्स है वो स्लाइटली म्यूट करने हैं। अगर इसको ज़्यादा म्यूट करोगे तो साउंड प्रॉपर नहीं आएगा। ओके, तो पाम प्रॉपरली रखने के बाद काफ़ी अच्छा सा साउंड आएगा यहाँ पे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी पाम म्यूट करके ही आपको बजाना है। सो इस पार्ट में पूरे क्रोमैटिक नोट्स बजे हैं 16th fret तक, ये 1st fret से स्टार्ट हो रहा है पार्ट। तो ये पार्ट इस तरह स्टार्ट होता है। सो पाम म्यूट करके ही ये नोट्स आपको बजाना है यहाँ पे, तभी ये परकशन वाला फील आएगा इसमें। फिर से देखिए। सो एक नोट को आपको 4 times बजाना है, काउंटिंग करना है 1E and 2E and 3E and 4E and, ये 16 notes यहाँ पे चल रहे हैं। और राइट, फिर से देखिए 1E and 2E and 3E and 4E and, फिर 5th से स्टार्ट करना है सेम चीज़ 1E and 2E and 3E and 4E and, तो ये पूरा पार्ट इस तरह हो गया। सो ऑल राइट, 8th fret पे पहुंचने के बाद यही सेम पार्ट आपको 5th से स्टार्ट करना है, बस इस बार नोट्स जो है 4 times नहीं बजाने हैं, वो 3 times बजाने हैं, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऑल राइट, फिर से देखिए, पहले हमने सारे नोट्स 4 times बजाए हैं, इसके बाद अभी 3 times बजाने हैं। सो ये इस तरह आएगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सो ऑल राइट, 1 2 3 हमने यहाँ से काउंट किया है। तो ये पूरा काउंटिंग आएगा इस तरह। सो ये पूरे पार्ट्स को आपको फास्ट बजाना है, और इतना याद रखना है कि आपको इसमें पाम म्यूट करके इसको बजाना है, तो इसके साउंड में एक परक्यूशन टाइप का फील आएगा, तभी इसका साउंड आपको ओरिजिनल सॉन्ग की तरह आएगा। ऑल राइट, आगे का पार्ट देखते हैं। जैसे ही आप 16th fret तक पहुंच जाओगे उसके बाद आपको डी माइनर कॉर्ड बजाना है 2 times, तो ये पूरा पार्ट इस तरह आएगा। तो ये डी माइनर कॉर्ड ओपन में भी आप बजा सकते हो। ऑल राइट, तो सेकेंड सोलो इतना ही है, अभी इसको हम बैकिंग ट्रैक के साथ देखते हैं किस तरह आएगा।